चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास नंबर 17 है और बहुत बढ़िया आपके जो हैं नरेशन अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पर पूरे होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि मैं इसी क्लास में इसी महीने में आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट का सिलेबस भी पूरी करा दूंगा और इसी महीने में आपको 2 या 3 दिन लगातार 50-50 क्वेश्चंस सोल्व करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये 17 क्लास है, 18, 19, 20, 21, 22 पांच क्लासें मैं मान रहा हूँ और जो मेरा केस ऑफ इन्वर्जन है वो 3 या 4 दिन का है, तो 22 और 5, 22 और 4, 26, 4 क्लासें बचेंगी आपकी। एक में मेगा टेस्ट और सॉल्यूशन ले लूँगा आपका, तो ये 2 या 1 दिन आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल अब क्लास आगे बढ़ाते हैं और मैंने जो कल बातें बताई आपको वो समझी आपने। जैसे पहली बात ये थी कि अंदर अगर थैंक यू हो तो उसे वर्ब बना दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस है उसे वर्ब बना दो, वेलकम है उसे वर्ब बना दो, तीनों को वर्ब बना दो, लिसनर वो रख दो जो दिया हुआ होता। दूसरी बात, फिर हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी मुहर्रम, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे हो तो बाहर विश करो, ही विश्ड मी, जो भी सब्जेक्ट लिसनर हैं विश्ड कर देना बस आप, और आगे ऐसे ही रख दो जो दिया हुआ है, हैप्पी भी लिखना और वो भी जो दिया हुआ है। ये होगा त्योहार या कुछ विश करने के लिए। फिर आया हमारा इसके बाद में गुड करके, 4 का ध्यान रखें, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, पीछे है हल्का सा एक गुड आफ्टरनून, इन 4ों के साथ विश लेंगे क्योंकि ये मिलते टाइम करते हैं। लेकिन दो तीन के दो बाय, अकेला बाय भी होता है कभी कभी, गुड बाय, या हमारा तीसरा है गुड नाइट। इसके लिए बाहर बिड, बेड, बिडन, जोन से भी फॉर्म हो वो लगा दो। फिर हमने सीखा कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एक से ज्यादा सेंटेंस क्लोज नहीं, इस बात में फर्क है, क्लोज होंगे तो अलग तरीका। अब आप थोड़े परेशान हो सर, क्लोज समझे नहीं हम, तो रोक दो आप इस बात को, इतना समझ लो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या इस पे खत्म हो तो ये सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, क्लियर? दो सेंटेंस है ये मैंने कल सिखा दिया आपको। और अगर ऐसे ना हो करके कॉमा हो तो अब ये सेंटेंस नहीं है, अब ये क्लोज है और ये मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, ये कंडीशनल सेंटेंस के हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि पहले कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे फिर इसे सिखाएंगे, लेकिन मुझे मौका मिल रहा है, मुझे दिख गया, तो मैं इसी में कंडीशनल सेंटेंस का जिक्र जरूर करूंगा और समझा भी दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, पहले अपने मेन वाले कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कल क्लोज नहीं हमने, सेंटेंस वाले, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक से ज्यादा सेंटेंस हैं तो क्या तरीका है, पहले को बनाओ, रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन सही से करो, एंड लगाओ, फिर अगले को बनाओ, कॉमन हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमन कर लो, नहीं हो रहा तो लिखो, स्पीकर लिसनर लिखते नहीं है, कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, और कॉमन होता तो नहीं लिखते हैं, ये भी सिखा दिया हमने। अब आप कहो सर इसकी प्रैक्टिस कराओ, देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है, जिनकी प्रैक्टिस होनी थी मैं करवा चुका हूँ, इसे रहने दो, आप अपने दिमाग से उन्हें समझो। और चलो एक काम कर लेते हैं, 17वीं क्लास है ना ये, 18वीं पढ़ाएंगे, 19वीं पढ़ाएंगे, 20 क्लास में सॉल्यूशन देंगे आपको, यानी कि 19 की शाम को, मैं बताऊंगा अभी नहीं, 19 की शाम को फिर से 50 नंबर का टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट नहीं है वो, मेगा टेस्ट तो पूरा करने के बाद दूंगा मैं, तैयार हैं आप? तो प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, तैयार रहना, फिर से 50 क्वेश्चंस आपके पास पहुंचाए जाएंगे 19 की शाम को, 20 में सॉल्यूशन दे देंगे उसका, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें आपकी चाहत हैं कि और मिले हमें वो सब मिल जाएगा। अब हम कल ही से संबंधित कुछ और बातें आपके सामने रखते हैं, देखना जरा इधर, शुरू कर दी मैंने क्लास आज की, ये 4 सेंटेंस देखो आप, इन्हें नोट करते रहो, ऐसे मिल जाते हैं पेपर में। ये पहला है शी सैड कॉमा
हेल्प हेल्प, उसका ध्यान रखना। दूसरा है शी सेड टू मी कॉमा हेल्प मी। तीसरा है ही सेड टू मी फूल। और चौथा है, ये सेंटेंस जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना ऐसे आते हैं, इनका टाइप नहीं है कोई, बस ऐसे मिलते हैं पेपर में और आंसर ये आएगा जो हम बता रहे हैं। जैसे थैंक यू है, ये सब फिक्स सेंटेंस है, इनका कोई टाइप नहीं है कि बहुत सारे सेंटेंस करवाऊँ, एक एक होता है बस। ध्यान रखो इनका, आप प्रैक्टिस में करना। कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी आ करके नंबर घटा और बढ़ा सकते हैं आपके, ये तो सब चीज़ सीखो सही से। फिर आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। तरीका देखो आप हमारा जैसा हम करेंगे, बस ऐसे कर लेना पेपर में। ये चार टाइप सीखो, फिर इसके बाद सिखाएंगे आपको सर और मैडम वाला, फिर सिखाएंगे यस और नो वाला, टाइम बचेगा तो एक टाइप और सिखाएंगे, ठीक है? दो टाइप तो पक्के हैं आज, सर मैडम वाला करना अभी, फिर यस और नो वाला बढ़िया करके। ये वैसे ही है रैंडम, एक एक करके, और भी बाकी जैसे नॉनसेंस अभी तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन वो अपने हिसाब से कराता रहूंगा। चार करो पहले ये, तो ध्यान दें। शी, रुक जाओ आप, हेल्प हेल्प, थीफ थीफ। जब आपको लगे ना एक शब्द को दो बार रिपीट कर रहे हैं, अब रटना भी नहीं है, समझना कि यार चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, हेल्प हेल्प या चोर चोर या शेर शेर, तो इस जगह चिल्लाने का सेंस होता है दो बार, तो इसकी रिपोर्टिंग तो चिल्लाना ही बनती है। तो शी शाउटेड, और तरीका है फॉर हेल्प। बस ये हो गया खत्म, हमारा बन गया, नोट कर लो इसे। यहां आई होगा तो आई शाउटेड फॉर हेल्प, यहां ही होगा तो ही शाउटेड फॉर हेल्प, तो इस हेल्प हेल्प का क्या बन जाता, ये बन जाता। इसमें कुछ मैं जादू करूं, अरे इसे देख लो आप, ये पेपर में कर देना आप, इतनी सी बात आएंगे पेपर में। अगला देखो, शी सेड टू मी, अब रुक जवाब, ये चिल्लाना नहीं है, ये तो ये है हेल्प मी मेरी मदद कर दो, हेल्प हिम उसकी मदद कर दो, तो दो बार है तो शाउटेड फॉर हेल्प, और एक बार है ये, तो ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अलग था हमारा, ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का है, अलग है बिल्कुल, ये इसे हटाओ, ये अलग है, इंपरेटिव है ये, तो यहां कर दो आस्क्ड मी, या यहां कर दो, अच्छा ऑर्डर तो आएगा नहीं, जब कोई मदद मांगता है तो ऑर्डर नहीं, एक बार को अगर मजबूरी हो तो रिक्वेस्ट लगा दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें फीलिंग होती है, कह नहीं उसने लेकिन मेरी मदद करो, तो हल्की सी विनती होगी जो छिपी हुई है, तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं यहां पे, लेकिन बेहतर यही है, अभी ऑर्डर मत करना, एडवाइस नहीं आएगी यहां पे, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसने मुझे सलाह दी कि मैं उसकी मदद करूं, किसी दूसरे की कहता हेल्प द पुअर तो एडवाइस भी आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी एडवाइस सही नहीं है। तो शी आस्क्ड मी टू, वो अलग सेंटेंस है भैया, ये अलग है, ये इंपरेटिव है, वो अलग तरीके का है। तो शी आस्क्ड मी टू हेल्प, और मी कहाँ जाएगा हमारा, यहां तो हर हो जाएगा, नोट कर लो। उसने मुझसे अपनी मदद करने को कहा, और यहां पे वो मदद के लिए चिल्लाई, ये बन जाएगा, नोट करो दोनों सेंटेंस क्लियर। उसे शाउटेड में करना, ये सिंपल होता। यही जब आपको लगे किसी व्यक्ति को बेवकूफ, या यहां पे ये हो लायर झूठा, या कोवार्ड कायर, बस एक शब्द रखा हुआ और आपको लगता है यार ये तो इसे कह रहा है, उसने कहा बेवकूफ, उसने कहा झूठा, उसने कहा कायर, उसने कहा कंजूस, कुछ नहीं करना, कॉल्ड मी शी कॉ ही कॉल्ड मी, और फूल अंदर है तो ए लगा देना, अंदर अकेला है ना तो ऐसे आता, लेकिन जब सेंटेंस में बनता तो माहौल बन जाता, तो ए लगा देना, ही कॉल्ड मी ए फूल, ही कॉल्ड मी ए लायर, ही कॉल्ड मी ए कोवार्ड, ही कॉल्ड मी ए माइजर, तो ये ऐसे उतार दो, बस ये कर देंगे। सेंटेंस का एहसास समझना होता,
ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये फीलिंग के आधार पे बन रहा है। यहाँ चिल्लाने की फीलिंग ये लगा दिया, यहाँ पे उसने मुझे इस नाम से पुकारा, कॉल्ड मी ए फूल, बस खत्म। सबका ध्यान रखो इनका। अगला, ही सेड टू ये, इसमें इसे पकड़ना, इसमें इसे पकड़ना, इसमें इसे पकड़ना, ये अलग है। तो इसमें हेल्प हेल्प, शाउटेड फॉर हेल्प, फूल कॉल्ड समवन ए फूल, ये अलग है। जब हेलो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर हो, जैसे ब्रेवो है तो एप्लोडेड, ये तो था ना, अलास है तो विद सोरो, विद सोरो से बता देंगे, हुर्रा है तो विद जॉय, और हेलो है तो रिपोर्टिंग का ग्रीट में बन जाती है। ही ग्रीटेड मी, ग्रीटेड का मतलब होता है किसी से हाय हेलो करना, मुलाकात करना, स्वागत करना उनका, आइए हेलो ऐसे करके। वेलकम होगा तो वेलकम आएगा, हेलो में आता ग्रीटेड। ही ग्रीटेड मी, डज होगा तो ग्रीट्स, आई एन जी होगा तो ग्रीटिंग, ये बन जाएगा। तो ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, क्यों हुआ ऐसा, ये बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये उसमें क्यों नहीं होता ब्रेवो में, इसलिए तो अलग पढ़ा रहा हूं इसे, वो अलग चीज है ये अलग चीज है हमारी। वहां पे क्या होता था, वहां पे होता था ही अपलोडेड मी सेइंग दैट, और यहां क्या है एंड, ये करके हमारा वो अलग सेंटेंस है, ये अलग है। क्यों, वहां पे 100% सिंपल होगा ब्रेवो वाले में, चाहे देख लेना आप कहीं भी, ब्रेवो में सिंपल मिलेगा। जब भी तो कहेंगे ब्रेवो तुमने ऐसा कर दिया, ब्रेवो तुमने, तो सिंपल होगा सेइंग दैट, यहां कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे यहां पे, ही ग्रीटेड मी, इसका बन गया हमारा ये। अब इसके बाद में इसका बनाना है तो एंड लगाओ, और ये इंट्रोगेटिव है, ये ग्रीटेड है, इसे अलग चाहिए आस्क्ड, सिंपल होता तो सेड करता, वही तरीका कल वाला। तो ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वाज, क्योंकि ये यू यहाँ जाएगा और ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग अब तीसरा शब्द सब्जेक्ट होता है, नोट कर लो इसे, खत्म हो गया। ये ऐसे ही मिलेगा, ये ऐसे ही मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल और दे दूंगा मैं आपको, किसी तरीके की कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, सब हम करवा देंगे। बस मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, ये रिवीजन करते रहना सब क्लासों का, सब भूल जाते हैं बच्चे, सब फ्री में पढ़ी हुई है आपके लिए। पुरानी 16 क्लासेस अवेलेबल हैं आपकी ऐप पर, ये इस टाइम आपको ऊपर दिख रही होगी लाइव क्लास में, नीचे एक बैनर और है प्रीवियस क्लास का, उसे साइड में कर लो, ऐसे करके सब मिल जाएंगे। तो एंजॉय करें आप उसे बढ़िया करके, रिवीजन करते रहें बार बार, प्रैक्टिस का सॉल्यूशन भी है, पीडीएफ भी लगी हुई है। एक बात और, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि यार आज भाई साहब ने 3 या 4 पेपर दिए हैं, चाहे वो टेस्ट के हों या कुछ भी हों, उसे करो तो स्क्रीन पे सोल्व, आप स्क्रीन पे सोल्व करो, ऐसे ऊपर नीचे करके आदत डालो इसकी, क्योंकि अब सारे पेपर ऑनलाइन होने हैं आपके, और ऑनलाइन में क्या होगा, आपके हाथ में पेपर नहीं आएंगे, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आएगी, उसमें ऊपर नीचे करना आपको, तो आदत डाल लो इसकी, क्योंकि इससे टाइम मैनेज हो जाएगा आपका सही से। अब आप डालोगे पेपर की आदत तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप इस पर सोल्व करो। लेकिन जब आपको लगे यार अब तो मैंने सोल्व कर लिया, अब कल को मुझे इसका सॉल्यूशन मिलना है, तो जिस मोबाइल में आप वीडियो देखोगे उसी मोबाइल में क्वेश्चन कैसे देखोगे आप, तो फिर आता भाई साहब नीचे पीडीएफ लगवा दो, इतना इतना सा दिखता, क्या देखोगे, तो क्या सॉल्यूशन है बच्चों इसका। इस पीडीएफ को जो मैं भेजता हूँ कहीं से फोटोकॉपी निकलवा ले करो अपने बराबर की दुकान में से, या कहीं थोड़ी दूर जा करके, और पेपर सामने रखो अपना, इधर मोबाइल, पेपर में देखो इसमें देखो, सबसे बेहतरीन तरीका है ये, और आप पेपर निकलवा लिया करो। बात खत्म हो गई मेरी अब, ठीक है। तो जितनी भी मैंने पुरानी क्लासेस दी हैं, आपको लगता है सर पेपर है कोई सा और मुझे चाहिए वो अलग, तो नोट्स निकलवाओ अपने, पीडीएफ 5-10 रुपये में निकल जाएगी आपकी, और उसे एंजॉय करो, पढ़ो उसे अच्छे से। लर्निंग सब करते हैं लेकिन रिवीजन बहुत कम करते हैं, और प्रैक्टिस उससे भी कम करते हैं, इसीलिए तो सबसे कम बच्चे लगते हैं, सब नहीं लगते, क्योंकि 3 चरण हैं, लर्निंग जो ये चल रही है, रिवीजन जो पहले हो चुका उसे पढ़ो, और प्रैक्टिस जो आगे होनी है या जो टेस्ट में होती है। एक सेंटेंस फिर देखो आप उसमें का, दे सेड टू अस हेलो, वी आर योर फ्रेंड्स, ये कह दिया उन्होंने,
कोई बात नहीं, हम तो अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो दे सेड टू हेलो, ग्रीटेड, दे ग्रीटेड अस, उन्होंने हमारा अभिनंदन किया, हमसे मिले वो। एंड सेड दैट, सर पहले वाले में तो आस्क्ड था क्योंकि वो इंट्रोगेटिव था, ये सिंपल है, तो सेड दैट लगाओ। एंड सेड दैट, बाकी काम वही करेंगे, तो वी जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा दे, फर्स्ट पर्सन है ना ये, आर का कर देंगे वर, योर आएगा यहाँ पे तो अवर बन जाएगा, और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हो गया हमारा। इन्हें रोक देते हैं अब। तो हमने आज फिर से तीन तरीके सीख लिए, एक तो हेल्प हेल्प शाउटेड लगा दो, वो सिंपल है दूसरा वाला, और तीसरा फूल या किसी को आपको लगे यार कुछ पुकार रहे हैं, फूल लायर या माइजर या कोवार्ड या और कुछ कहें, तो वो बाहर कॉल लगा देना, आप इस नाम से पुकार रहे हैं उसे। और तीसरा चौथा टाइप ये है बोर्ड पर हमारा, ठीक है, बस इनका ध्यान रखो, सबका पेपर में आते ही है, और भी हैं भी ऐसे, कराएंगे आराम से, दो दो तीन तीन कराते रहेंगे रोज़ाना, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट से। अब आते हैं सर और मैडम वाले पे, तो देखें ज़रा इधर हेडिंग डाल देंगे, सर या मैडम, बहुत आसान है, ऊपर देखो बोर्ड पे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सर मैं आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरा ही सेज टू हर, वह उससे कहता है मैडम आई लाइक योर बिहेवियर, हमें बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं लेना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसी करना आपको। तो ही, इसको बदलना है आपको, तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं यहाँ, हेलो होगा तो हेलो पे जाएंगे, ब्रेवो होगा तो ब्रेवो पे जाएंगे, समझ गए। लेकिन ये सर मैडम होगा तो इसे देखना आपको, इसे सर मैडम को नहीं देखना, इसे देखना है। तो ये कैसा इंट्रोगेटिव, तो कर देंगे आस्क्ड मी। अब रुक जाओ आप, जैसे हमने जॉय लगाया था विद जॉय हुर्रा होने पर, विद सोरो लगाया था अलास होने पर, ओह आह ओ डियर होने पर लगाया था हमने विद सरप्राइज, ऐसे ही सेम आप अपना स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर पूरा करो, और यहाँ लगा दो आप विद रेस्पेक्ट, और आपका जो ये शब्द है किसके लिए आया, इसके लिए आया, या आप लगा सकते हैं यहाँ रेस्पेक्टफुली, जैसे विद सोरो या सोरोफुली, ऐसे ये है विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली। इसमें एक तीसरा और जो पूछ लेते हैं वो भी देख लो आप, या पोलाइटली, ये भी लगा सकते हैं आप, ये आजकल चल रहा नया। तो सर मैडम में प्यार भरा लहजा छुपा होता है, सम्मान देने वाला, तो विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, या ये भी कभी कभी पोलाइटली, खत्म हो गया। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट मतलब स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर, और ये हो गया हमारा सर के बदले में, ये मैडम में आएगा, दोनों में सेम आता। अब कंजक्शन इफ, कंजक्शन से पहले आता है ये, ध्यान रखना। और आई को लेके जाऊंगा मैं यहाँ क्योंकि सिंपल बनना, तो ही बाहर की घटना पास्ट में, तो मे का माइट, और हेल्प का हेल्प, और यू को लेके जाऊंगा यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस, ये बन जाएगा। उसने मुझसे सम्मानजनक तरीके से पूछा क्या वह मेरी मदद कर सकता था, खत्म हो गया ये। अगला ही सेज टू के लिए अंदर गए, मैडम मिल गया, लेकिन हमें इनसे काम ही नहीं है, हमें इससे काम है, सर और मैडम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बताएंगे, सर और मैडम तो ये दे देंगे बस, सर और मैडम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बताएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा अगला जो क्लोज है हमारा। तो ये कैसा सिंपल, टेल्स
सेज टू का सिंपल है, टेल्स बन जाएगा। टेल्स हर तीनों में से कुछ भी लगा दो आप, विद रेस्पेक्ट दोनों के लिए सेम आता, सर हो या मैडम हो, प्यार भरा होता है इसमें, सम्मान, प्यार नहीं सम्मान भरा होता। या रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली, पोलाइटली में विनम्रता होती है, विनम्रता इज्जत का एहसास होता है इसके अंदर। तो ही टेल्स हर विद रेस्पेक्ट ये हो लगा हमारा। यहाँ विद मत लगा देना, यहाँ पे एडवर्ब के साथ नहीं आता, विद नाउन के साथ आता है, ये नाउन है, यहाँ पे भी नाउन नहीं है। तो ही टेल्स हर विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली या पोलाइटफुली कंजक्शन दैट, क्योंकि ये सिंपल है, वो इंट्रोगेटिव था। आई को बाहर देखेंगे तो ही, लेकिन लाइक के लिए बाहर आओगे प्रेजेंट तो डिड नहीं होगा, डज हो जाएगा, क्योंकि ही आ गया ना लाइक्स। और योर को यहां लाओगे तो हर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, बिहेवियर। इसे नोट करो आप, बस अब दो तीन एग्जाम्पल और करवाऊंगा मैं आपको, खत्म। इसके बाद में करेंगे यस और नो, फिर एक टाइप और करेंगे, आराम से करते रहो कूल होकर के एकदम। नोट करो इसे। नोट कर लो इसे सबको। अगला एग्जाम्पल इसी के ऊपर है, आपको बनाना, पहले मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर। तो ये है, दे सेड कोमा अंदर है मैडम, व्हाट आर यू डूइंग। अगला है, शी सेड टू मी कॉमा सर प्लीज गो डाउन, नीचे जाओ। ये सेंटेंस है हमारा, तो देखते हैं दे का दे, पहले आप बनाओ जरा, कोशिश करो बनाने की, बस 20-25 सेकंड रुकना होता है मुझे। अब आप वीडियो ही रोक दो, बना लो अपना आंसर, ठीक है, थोड़ी देर बाद देख लेना, इतने बना देता हूँ। तो दे सेड के लिए अंदर जाएंगे तो इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड हो जाएगा, वांटेड टू नो भी कर सकते हो आप, सब नियम पुराने हैं, बस विद रेस्पेक्ट आना। तो दे आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, अब आप ये मत सोचना कि यहां पे बस ये आएगा क्या, विद रेस्पेक्ट लगा लो या पोलाइटली लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, मर्जी है, तीनों में से कुछ भी। तो दे आस्क्ड रेस्पेक्टफुली कंजक्शन वाट सिंपल बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये यहां आएगा, कुछ है क्या यहां पे, नहीं है तो आई मान लो, यहां पे मी मान लो, कुछ नहीं है तो आई, और आर का बन जाएगा वाज। सर आर तो प्लूरल है, यू के लिए है ना वो, हमारा तो आई आएगा वहां पे, तो वाज कर देंगे, तो आई वाज डूइंग, ये हो गया हमारा सेंटेंस। उन्होंने मुझसे सम्मानजनक तरीके से या सम्मान देते हुए पूछा कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी, लड़की है ना। अच्छा आप सोचोगे सर ये लड़की है तो शी कर दो, ना, ये तो यहां आएंगे, तो आई के अंदर लड़की भी हो सकती है, या आप चाहो तो यहां पे बताओ ही आ जाएगा, ना शी आ जाएगा, यहां ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैडम है ना, मैडम उससे कह रहे तुम क्या कर रही हो, तो ये भी ध्यान देने की बात है, ही नहीं आएगा दूसरे नंबर वाला, अब के दूसरे नंबर पे शी आएगा, और आई तो सबके लिए आता, तो आई नंबर वन पर रहेगा। शी सेड टू अंदर गए तो रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, और ये भी देना पड़ेगा रेस्पेक्टफुली, तो तीनों में से कुछ भी लगा लो आप, मैं तो अब एक एक दे रहा हूं। तो शी रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू, कंजक्शन टू आएगा ना, गो डाउन, बताइए क्या परेशानी है आपको इसमें, खत्म हो गया ये, एक सेंटेंस और बना लो, ठीक है, फिर बंद कर दूंगा, पांच हो जाएंगे ये, फिर आएंगे हम यस और नो पे। अब ऐसे बनाने को तो मैं 15-20 सेंटेंस बना दूं, क्या फायदा, क्लास खींचने से कोई फायदा थोड़ी है। क्लास अगर आपको, मुझे लगेगा कि यार इतना काफी है, मैं छोड़ दूंगा, आपको छोड़ कर लेना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, ना मुझे ना आपको, ठीक है, ध्यान रखो उसका, कभी क्लास लंबी होती कभी छोटी, इसका टेंशन ना लेना आप।
और आपको लगता है कि कम पढ़ा रहा हूँ या कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया या बोर कर रहा हूँ, तो आप अगली क्लास मत परचेज करना जो होगी प्रैक्टिस की। तो आप अपना अपने आप सोचा करो, मैं क्लास के बारे में अपने आप सोचता हूँ, जो मैं करूँगा वो अच्छा होगा आपके लिए, भरोसा रखो आप मेरे ऊपर। एक सेंटेंस और देखो, फिर मैं बंद करता हूँ इसे। शी वाज सेइंग टू राजन, शी वाज सेइंग टू राजन वाट, या वेयर कर लो, ये भी सही है वो भी सही है, बदल दो जरा, एक पहले वाट हो गया ना, वाट वेयर डू यू लिव सर, ये भी सही है, बाद में हो या शुरू में, ऐसे भी आता कभी कभी। तो शी वाज का तो वाज ही रहेगा, ये अंदर जाएगा तो इंट्रोगेटिव है तो कर देंगे आस्किंग, शी वाज आस्किंग हो जाएगा, इंक्वायरिंग हो जाएगा, डिमांडिंग, वांटिंग नहीं होगा क्योंकि वांट में आएंगी नहीं आती। तो शी वाज आस्किंग राजन, अब वो बाद में है तो इसका मतलब ये नहीं है, रेस्पेक्टफुली बाद में आएगा, वो यहीं आएगा, जगह यहीं है उसकी कंजक्शन से पहले। तो शी वाज आस्किंग राजन रेस्पेक्टफुली, शी वाज आस्किंग राजन रेस्पेक्टफुली कंजक्शन वेयर, जगह थोड़ी यहां ला रहा हूं मैं, ठीक है, तो यू का बन जाएगा क्या, ही, क्योंकि यू कहाँ आएगा, राजन के पास। डू का बन जाएगा डिड और आएगा लिव, तो ये इसके अंदर जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है, और वो खत्म हो जाएगा ये सेंटेंस। इसे पास में ले आओ, थोड़ा अलग लग रहा है, यहां ले आओ, बस ये बन जाएगा सेंटेंस। वह राजन से पूछ रही थी सम्मान पूर्वक कि वो रहता कहाँ था, ये बन जाएगा, बंद कर दो इसे। अब आप यस और नो देख लो, अब आप यस और नो, इसमें तीन आते हैं, रेस्पेक्टफुली, पोलाइटली या विद रेस्पेक्ट, क्लियर, आते हैं भैया यस और नो वाले पे। एग्जाम्पल है ही, बहुत आसान चीजें हैं बस ये अच्छी हैं, लेकिन ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आगे है कैन यू गो आउट, क्या तुम बाहर जा सकते हो, फिर ये हुआ एंड आई सेड, सही है, एंड आई सेड नो, ऐसा करके होता है ये सेंटेंस, एंड आई सेड नो, पूरा सेंटेंस है, यहां तक हो तो सिंपल है, लेकिन ये जुड़ गया और मैंने कहा नो या यस कह लो। शी सेड टू मी कॉमा, आगे है विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, और ये हुआ कि शी सेड टू मी, मुझसे कहा ना, तो आई सेड नो तो हो गया, पर यस कर लो, ये हो गया हमारा सेंटेंस, बनाए से। अब इस पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले ये तो निपटा लो ये वाले, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें इंट्रोगेटिव सवाल ही होगा, सवाल जब, तो कहेगा वो नो या यस, तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ये मतलब आंसर इसका ये है कि ही का तो ही उतरेगा, सेट टू अंदर जाएगा इंट्रोगेटिव, तो आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ, ये बन जाएगा आई इसके हिसाब से, कैन का बन जाएगा कुड, गो का गो, आउट का आउट। ये हमारा पहला सेंटेंस खत्म हो गया, जो सवाल है उसने मुझसे पूछा क्या मैं बाहर जा सकता था, उस टाइम उसने पूछा क्या तुम बाहर जा सकते हो, ये कहूंगा मैं, उसने मुझसे पूछा क्या मैं बाहर जा सकता था, एंड आई रिप्लाइड, एंड आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट मुझे देखना है ना पूरा, ये कोई कंफ्यूजन हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, दा को देख रहा हूं मैं, सही है, एंड आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, बस ये करना आपको। देखो, उसने सवाल करा मुझसे, ही आस्क्ड मी, ये तो सिंपल हो गया आपका यहां तक, अब इसके बाद में एंड आई
ये तो ऐसे रहेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है तो ये बदलेगा नहीं। एंड आई रिप्लाइड कर दो आप, एंड आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, और मैंने ना में जवाब दिया, तो नो को क्या कर देंगे आप, इन द निगेटिव। समझ में नहीं आया आपकी, रुक जाओ अभी, दूसरा सेंटेंस देखो। शी सेड टू अंदर, तो फिर से इंट्रोगेटिव, आस्क्ड मी कंजक्शन इफ, तो शी आस्क्ड मी इफ, यू को देखोगे आप तो ये बन जाएगा आई, शी आस्क्ड मी इफ आई विल का बन जाएगा वुड, गो का बन जाएगा गो, देयर का देयर। अब ये बचा तो एंड लगाओ, ये एंड ऐसा है लगता है क्योंकि जब दूसरी बात जोड़ोगे आप लगेगा, जैसे यहां था तो लगा दिया, कभी सोचो यहां नहीं है तब भी लगेगा, ये यहां पे एंड दे ना दे यहां तो लगना ही है आपका, और नहीं भी होगा तो देख लेंगे, फिलहाल इसे नजरअंदाज कर दो। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो देयर एंड आई रिप्लाइड, एंड आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये तरीका है इसका। अभी एक तरीका हुआ, एक और है अभी इसका तरीका, नोट कर लो इतना। तो आपको क्या करना है, नो है तो स्पीकर जो भी होगा रिप्लाइड इन द निगेटिव, और अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो फिर आपको आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब हाँ कर दी मैंने, और निगेटिव मतलब मना कर दिया, नहीं करूंगा मैं ये काम। नोट करो जल्दी से, इसी सेंटेंस को दोबारा देखो आप, इसी को ए यहां से समझ लो पूरी बात, ये सही आंसर हमारा। एक और देखो ऐसे इसे देखो, यहां से शुरू करें तो ये तो वो करना सब, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गो आउट एंड आई सेड दैट, नो है ना, तो आई ये वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको और आप कर देंगे नॉट, बस ये भी आंसर है, ये भी आंसर है इसका, क्योंकि मीनिंग बढ़िया है इसका। उसने मुझसे पूछा क्या मैं बाहर जा सकता था, एंड आई सेड, और मैंने कहा कि आई कुड नॉट, मैं नहीं जा सकता, ये बन जाएगा। यहां इज होगा तो मतलब जो भी होगा यहां पे वो कर देना आप यहां पे। ये और देखो, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई वुड गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, एंड आई सेड, यही होगा सेड दैट आई वुड, और मैंने जवाब दिया हाँ जाऊंगा, और मैंने जवाब दिया जाऊंगा, तो हाँ में जवाब दे दिया ना उसने, यहां पे ना में दे दिया। नहीं समझ में आ रहा आपकी, कोई बात नहीं, पहली बार है, दो सेंटेंस और करते हैं अभी, ऐसी सही है सब आंसर, ये दो और देख लो अभी। एक सेंटेंस देखो पहले आराम से, जरा जल्दबाजी में नहीं, तो शी सेड टू हिम, लड़की ने लड़के से पूछा आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, ही सेड कोमा यस, हाँ पागल हूं, ये कह दिया उसने। तो लड़की ने लड़के से पूछा क्या तुम पागल हो, उसने कहा हाँ पागल हूं, आंसर देखो आप इसका। शी सेड टू के अंदर आस्क्ड हिम कंजक्शन इफ, शी आस्क्ड हिम इफ, यू को यहां लाएंगे तो ही बन जाएगा इसका, इसका ही बनेगा इस बार, तो शी आस्क, एक बात देखिए आपने, शी आस्क्ड हिम इससे पूछा, तो यहां पे जवाब भी इसी ने दिया है, वहां पे मुझसे पूछा था तो जवाब मैंने दिया था, ठीक है ना, सही है वो, यहां पर आई नहीं कर सकता मैं, आई ये तो जवाब देगा। तो शी आस्क्ड हिम, उसने लड़के से पूछा इफ ही आर का कर देंगे वाज, शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज मैड, क्या वो पागल था, एंड करना अब हमें ही का ही, तो पहले तरीका वो भी सही है, एंड ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये भी सही है।
तो जब आपको आंसर इसमें देना ना इन द अफर्मेटिव तो रिप्लाइड लगा दे करो, या शी, ये पूरा ऐसे उतरेगा, शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज मैड एंड, ये तो सेम होना है यहां तक काम। आगे दो आंसर है इसके, एक वो लिखा हुआ या एक ही कर सकते हैं आप, एंड ही सेड दैट ही वाज, ये भी कर सकते हैं आप। जब आपको अंदर वाले का आंसर इसकी तरह देना, बस ये इतना हिस्सा उतार लेते हैं वहां पे, ही वाज, या कुड होगा तो ही कुड, और नहीं होगा तो नोट कर देंगे नोट, ये कर देते हैं हम, ये हो गया हमारा। और ये सैड और दैट, नोट कर लो जल्दी से इसको, दो आंसर है दोनों सही होते हैं, इनमें से एक मिलेगा आपको। और ये ना सर और मैडम से ज्यादा पूछे जाते हैं, उनसे ज्यादा ये वाला आता है, क्योंकि ये है अच्छा सवाल, इसका जवाब देने का तरीका देखता है वो। खत्म हो गया ये, अगला सेंटेंस देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मतलब ज्यादा करना चाहिए ऐसे बार बार, एक बार और देखते हैं कोशिश करके। तो माई मदर सेड टू माई सिस्टर, मेरी माँ ने मेरी बहन से कहा या पूछा, कोमा कैन यू हेल्प मी इन किचन, क्या तुम मेरी किचन में मदद कर सकती हो, एंड शी, ये तो करेगी मदद, लड़की है ना इससे पूछ रहा है, तो शी सैड नो, और उसने कहा नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आंसर देखो इसका, माई मदर, ये नहीं बदलता ये तो ऐसे रहता, सैड टू का अंदर तो इंट्रोगेटिव ही होता है इसमें, तो माई मदर आस्क्ड माई सिस्टर, मेरी माँ ने मेरी बहन से पूछा, ये क्लियर हो गया, कंजक्शन आएगा इफ। एक बात और बताओ, जब आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तो इंटरोगेटिव दो टाइप का आया होगा, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप, और मैंने बताया होगा जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो में, वो फर्स्ट टाइप होता हमेशा। तो ये यस और नो में है ना, ये 100% अंदर आपको फर्स्ट टाइप ही मिलेगा, तो इसमें कंजक्शन ये आएंगे इफ या वेदर, और ये आ जाएगा। तो माई मदर आस्क्ड माई सिस्टर इफ, ये बन जाएगा शी, इसके हिसाब से शी, कैन का कुड क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है, प्रेजेंट में होगी तो कर देंगे, तो शी कुड और हेल्प, किसी को हेल्प्ड तो नहीं करना, हेल्प्ड मत करना, कैन हो या कुड हो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है मॉडल के साथ, तो शी कुड हेल्प मी जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के पास, तो हर आएगा, शी कुड हेल्प हर इन किचन, एंड अब शी रिप्लाइड, एंड शी रिप्लाइड इन द निगेटिव, एंड शी रिप्लाइड इन द निगेटिव, जवाब देना है ना आपको तो ऐसे ही देते हैं, शी रिप्लाइड इन द निगेटिव, शी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ऐसे करके, पॉजिटिव नहीं अफर्मेटिव करना, पॉजिटिव भी मजबूरी में देखेंगे फिलहाल, अफर्मेटिव करना पॉजिटिव का मतलब नहीं है यहाँ पे, अफर्म होता हाँ मैं ये काम करूंगा, निगेटिव नहीं करूंगा, और पॉजिटिव तो अलग होता वो मत लगाना। तो ये हो गया हमारा, या इसका आंसर किचन के बाद, बस यहां यहां से देखो, ये भी हो सकता, एंड शी सैड दैट, सिंपल बनता शी कुड नॉट, एक कहां गया, एक मिनट रुको, हाँ यहां नॉट आ जाएगा, और यहां अगर यस होता तो ये हो जाता आंसर, नोट कर लो जल्दी से। एक एग्जाम्पल और करवाना चाहता हूं मैं इसी टाइप का आपको, ठीक है, फिर मैं इसे रोक करके कुछ और देखता हूं, सही है ये आंसर, जरा ये वाला आंसर आप लगाना करके दिखाओ जरा मुझे ये। तो एग्जाम्पल है, रूमी सेड टू मी कॉमा
हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? आई सेड, मैंने कहा नो, मैंने कहा नो। तो देखते हैं, रूमी आस्क्ड, रूमी आस्क्ड मी, रूमी आस्क्ड मी इफ, सही चल रहा ना बिल्कुल? रूमी आस्क्ड मी इफ, ये बन जाएगा आई, हैव का बन जाएगा हैड, कंप्लीटेड योर का बन जाएगा माई, होमवर्क, इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड आई सेड दैट आई हैड नॉट, ये वाली हेल्पिंग वर्ब आती बस नॉट लग जाता। या यहां से कर सकते हैं आप, आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, ये बन जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लो। एक बहुत शानदार सा सेंटेंस और करवाना चाहता हूं मैं आपको, इतना नोट कर लो पहले, बहुत बढ़िया सेंटेंस, देख लो लास्ट है, बस ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर कुछ और देखेंगे। क्या देखना है अब हमें? अब हमें ये देखना है बच्चों की, शी सेड टू हिम, लड़की ने लड़के से कहा, सर कैन यू, इधर लिख रहा हूं मैं, शी सेड टू हिम, सर कैन यू ओपन दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को खोल सकते हो? ही सेड यस, उसने कहा हां, उसने कहा हां, आंसर। शी सेड टू के अंदर देखो तो आस्क्ड हिम रेस्पेक्टफुली, तो भाई इतना करना हमें क्या मतलब इस बात से, शी आस्क्ड हिम रेस्पेक्टफुली कंजक्शन इफ, सब काम सेम होंगे बस रेस्पेक्टफुली घुस जाएगा बीच में क्योंकि सर आ गया ना, तो शी आस्क्ड हिम रेस्पेक्टफुली इफ, और यू का बनेगा ही, यहाँ पे हिम है ना इसलिए, और कैन का बनेगा कुड, ही कुड ओपन दिस का दैट बॉक्स, एंड इसके लिए आएगा ये है ना, एंड ही सेड दैट ही कुड, ये बन जाएगा, और उसने जवाब, और उसने कहा कि वो कर सकता था, या एंड के बाद बना रहा हूं, एंड ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, नोट कर लो इसे। तो इसके दो आंसर हैं, या तो एंड सेड दैट वो कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा नहीं करेगा इस टाइप से, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव में देना तो रिप्लाई करना फिर आंसर, नोट कर लो इसे, खत्म हो गया। एक सेंटेंस और जो पेपर में आया हुआ, ये पेपर में आया हुआ है, दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा लेट्स डांस, आओ नाचे, एंड शी सेड नो, और उसने कहा नहीं, तो क्या है बस सजेस्टेड करके बनना है सजेस्टेड, तो देख लो क्या है इसमें, दे उसने कहा आओ नाचें लेकिन उसने मना कर दिया, तो दे सजेस्टेड, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अंदर जाएंगे तो लेटस मिल गया, तो दे सजेस्टेड टू हर कंजक्शन दैट, दे सजेस्टेड टू हर कंजक्शन दैट, और जब बाहर आएंगे तो ये भी थर्ड पर्सन और ये भी थर्ड पर्सन, तो दे आएगा, दे शुड
डांस एंड यहां पे बट भी हो सकता है, बट लेकिन उसने जब मना करते हैं तो बट भी लगा सकते हैं यहां पे, एंड या बट। वहां देखना पड़ेगा, वहां एंड है तो एंड लगाना, बट होगा तो बट लगाना, वो बता दूंगा मैं। ये काम की चीज आगे हैं इसके, एंड शी, ये आगा ना, एंड शी सेड दैट शी शुड नॉट, और उसने जवाब दिया उसे नहीं करना, वो नहीं नाचेगी। या इसका आगे, एंड शी रिप्लाइड इन द, एंड शी रिप्लाइड इन द निगेटिव। नोट कर लेंगे इसमें, एंड शी सेड दैट शी शुड नॉट, और उसने कहा नहीं मुझे नहीं नाचना, मुझे नहीं नाचना चाहिए, और एंड शी रिप्लाइड इन द निगेटिव, नोट कर लेंगे इसे। आज की क्लास में हमने हेल्प हेल्प और हेल्प मी और फूल, और हमारा जो दूसरा सेंटेंस था कौन सा वाला, हेलो वाला, वो सीख लिया। उसके बाद में सर और मैडम बड़े आसान से हैं सब, ये बस ध्यान दिलवाना है आपका। और उसके बाद में हमारे सामने बोर्ड पे आया यस और नो, जिसे मैं सर और मैडम से ऊपर रखूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब क्लास तो हमारी इतनी हो चुकी है कि आज का कोटा पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आपको एक सेंटेंस नहीं, दो सेंटेंस चेंज करवाना चाहता हूं, दोनों देख लो आप। जरा ये देखना, ही सेड टू मी कॉमा, ये सेंटेंस है, व्हाट ए पिटी, इसका मतलब दुख के लिए होता। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट ए पिटी, कितने अफसोस की बात है, हिंदी लिख दो, बड़े अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आंसर पेपर आया हुआ, इसलिए इस पेपर में आया हुआ है ये, तो सेड टू मी व्हाट ए पिटी एक्सक्लेमेटरी है, तो ही एक्सक्लेम्ड मी कंजक्शन दैट, और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये एक फीलिंग है, इसके लिए इट आएगा। इट वॉज ए ग्रेट पिटी, बड़े अफसोस की बात है। नोट कर लो इसे, ऐसे बनता है, इसमें वो भी नहीं बनेगा द पिटी वॉज ग्रेट, ऐसे नहीं बनता, इसमें ऐसे बनता। तो वाट ए पिटी आंसर बना देंगे, इट वॉज ए ग्रेट पिटी, इसका मतलब है उसने मुझसे कहा कितने अफसोस की बात है, तो आंसर बन जाएगा उसने मुझसे कहा कि, या उसने मुझसे आश्चर्य के साथ कहा कि बड़े अफसोस की बात थी। बड़ा क्या है ये, ग्रेट। अब आता सर, ग्रेट तो महान होता, इस चीज को समझ लो आप, ग्रेट बड़ा भी होता है, ग्रेट खतरनाक भी होता है, ग्रेट मुख्य भी होता, ग्रेट महान भी होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे की क्लास नहीं पढ़ाना चाहते, तीसरा टाइप है, कल कर लेंगे आराम से, 30 क्लासेस हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आपने जो फीस मुझे दी है, जो टाइम मुझे दे रहे हो, उसका पूरा फायदा उठवा दूंगा आपको। 10 10 नंबर के नरेशन ये आते हैं पेपर में, और 2 3 नंबर की एरर भी आती है। अब एरर कैसे आती, अब जो 19 तारीख में टेस्ट होगा उसमें तरीका ये करेंगे, 40 नंबर की तो यही रहेगी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन 10 नंबर का मैं आपसे एरर या फिल इन द ब्लैंक्स या नो इम्प्रूवमेंट पूछूंगा, उसे भी करना, वहां कोई परेशानी होगा हम बताएंगे। तो इसके अंदर 12 या 13 नंबर लेने हैं आपको, और लेने ही हैं हर कीमत पे। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।